नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को करेंगे हिमाचल प्रदेश का दौरा। बिलासपुर में बने एम्स का करेंगे उद्घाटन। इसके बाद कुल्लू के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके की पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार यहां दो युवकों ने एक 6 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने ये हत्या बलि देने के नाम पर की है। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। 66 से ज्यादा झुलसे। घटना में अभी तक की जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इनमें से 32 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान पिच पर एक सांप रेंगता देखा गया, जिसके बाद मैच रोक दिया गया और अगले ही पल सांप को हटाने के बाद मैच फिर से स्टार्ट किया गया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान एक बड़ा विवाद छिड़ गया। यहां महिषासुर की जगह महात्मा गांधी की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा को पूजा पंडाल में लगा दिया गया। म्यांमार में हैरान कर देने वाली एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में जमीन से चली गोली ने किया छेद, पैसेंजर घायल। अलवर में 8वीं की छात्रा से 8 लोगों ने किया गैंगरेप, ब्लैकमेल करके ऐठे 50,000, फिर वायरल कर दिया रेप का वीडियो। मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं, अभी भी ICU में। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव से बात कर मुलायम सिंह का हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वह हर संभव मदद और सहायता देने के लिए मौजूद है। तिकोनिया हिंसा में मारे गए 4 किसानों की बरसी में शामिल होने लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत, केंद्र सरकार पर बोला हमला। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडरिया सुकुवारा कौशाम्बी के बच्चों और बच्चियों द्वारा हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ व एक्सरसाइज की ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे एसके लाइव न्यूज के साथ।